नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वर्णिमा मिश्रा। आप देख रहे हैं जेके न्यूज। नोएडा से अमर सैनी की रिपोर्ट। नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में बदमाशों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत सेक्टर 24 पुलिस टीम, स्वाट टीम, स्टार टीम ने 19 फरवरी को चित्रा गैस एजेंसी से 6,56,000 की लूट करने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। वहीं 2 फरार बदमाशों की तलाश के लिए छापेमारी जारी है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों के पास से 2,60,000 रुपए के साथ जरूरी कागजात, अवैध असला और लूट में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद की है, जिसके बाद से बदमाशों को जेल भेज दिया गया। उक्त मामले की जानकारी नोएडा के SSP वैभव कृष्णा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। बरामदगी 2,60,000 रुपए कैश बरामद हुआ है और तमंचे वगैरह बरामद हुए हैं इनसे, 2 तमंचे, मोटरसाइकिल जो यूज हुई थी वो बरामद हुई है, मोबाइल फोन खरीद लिया था जो लूटे हुए पैसे से वो बरामद हुआ है और रसीद बरामद हुई है, जो ज्वेलरी इन्होंने रखी हुई थी, गिरवी रखी हुई थी, एक इनमें से एक्यूज ने वो पैसा दे के इसने ज्वेलरी छुड़ाई अपनी, वो 63,000 रुपये के करीब की रसीद है वो बरामद की। जो पैसा बरामद नहीं हुआ उनके खाते वगैरह रिसीव किए जाएंगे। ये लोग रहे हैं, साथ में रहे हैं, नौकरी वगैरह में साथ में रहे हैं। कोई आपराधिक इतिहास नहीं निकल के आया, लेकिन हम लोग दिखवा रहे हैं इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। जो 2 बचे हैं अभी वो गिरफ्तार होंगे, उसके बाद उनका भी क्लियर होगा। ये बहुत कम पढ़े हुए हैं, एकदम लेबर क्लास टाइप है। पहले भी कोई घटना बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, पहले इन्होंने कोई घटना की हो। ये आशीष वर्मा गैस एजेंसी पे ही काम करता था, ये थोड़ा सा पढ़ा हुआ है और बाकी जो 2 है ये कोई ऐसे पढ़े हुए हैं। जिस दिन ये बैंक में जमा करने जा रहे थे सर, उस दिन छुट्टी थी, तो ये बैंक में पैसा जमा करने क्यों जा रहे थे? अब वो तो चीज़ें क्लियर होगी। बैंक का चूंकि एजेंसी का पैसे का वो होता रहता है, आपस में लेन देन होता है, छुट्टी वाले दिन भी ये लोग कहीं कहीं मूव करते हैं पैसा। एजेंसी के अंदर की बात, इसे आशीष वर्मा को सारी पता रहती थी कि कितने दिन, ये करीब 5-6 महीने से है, कितने साल से, 1 साल से करीब। एजेंसी में लोडिंग अनलोडिंग का काम करता है, इसे जानकारी रहती थी कि कौन सा पैसा कहाँ पे जा रहा है, कितना जा रहा है। कैसे प्लान किया इन लोगों ने और कैसे सब क्रैक किया, कैसे इन लोगों ने प्लान किया लूट का, कुछ क्रैक कैसे किया? जो आशीष वर्मा है इसने सटीक मुखबिरी दी, इसने बताया कि कल इतना पैसा गया था, आज इतना पैसा जाएगा, और जैसे ही ये लोग पैसे कंपनी वाले पैसे लेके निकले थे, वैसे ही पीछे से मोटरसाइकिल से 2 लड़के से तैयार रखे थे, उन्होंने जाके ये थैला इससे लूट लिया। 19 फरवरी को एक लूट की घटना कारित हुई थी, इसमें 6,56,000 रुपये लूटे गए थे। एक गैस एजेंसी का ये पैसा था जो कि ले जाया जा रहा था, इसमें रिकवरी हुई है, 3 इसमें एक्यूज अरेस्ट हुए हैं। इसमें प्रकरण इस प्रकार निकला कि गैस एजेंसी का ही एक कर्मचारी, उसने मोल की तरह काम किया, उसने सूचना दी अपने साथी बदमाशों को और घटनाओं को कारित कराया। मोटरसाइकिल से 2 लड़के आए थे जो बदमाश थे, पीछे वैगनार से भी 2 लड़के थे, तो टोटल 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। 2,60,000 रुपये कैश रिकवर हुआ है और 63,000 रुपये इन्होंने, इनमें से एक अक्यूज ने अपनी ज्वेलरी रख के कर्ज लिया था, उसकी रसीद वगैरह बरामद हुई है, 2 तमंचे बरामद हुए हैं। घटना में जो मोटरसाइकिल प्रयुक्त हुई थी वो बरामद हुआ है, तो इसमें 3 लोग गिरफ्तार हुए और पैसा जो है। सर, जो गैस एजेंसी का कर्मचारी था वो भी उस घटना के दौरान मौके पर था? हाँ, वो मौके पर था, उसी ने सूचना दी थी और उसी ने पूरे कैश के मूवमेंट के बारे में जानकारी दी, मौके पर था। सर, इनका कोई आपराधिक इतिहास? जो अभी 3 लोग पकड़ गए हैं इनका तो कोई आपराधिक इतिहास अभी तक संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन हम लोग इन्वेस्टिगेशन पूरे डिटेल में दिखा रहे हैं, कोई आपराधिक इतिहास नहीं आया। सर, इसमें 2 लोग और भी हैं जो भी फरार हैं? जो 2 लोग बचे उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी, इनमें से एक जनपद आजमगढ़ का रहने वाला है, एक यही नोएडा जनपद का रहने वाला है और एक अलीगढ़ जनपद का। सही, जो एजेंसी में जो कार्य करते हैं सर, कितने दिन से कार्य कर रहे हैं? करीब 1 वर्ष से कर रहे हैं। 1 वर्ष सर, कितने पढ़े लिखे हैं? कोई ऐसा विशेष इनकी कोई एजुकेशन नहीं है, 2 की, एक थोड़ा बहुत इनसे पढ़ा हुआ। अभी पकड़ा नहीं गया है, अभी 2 लोग इसमें वांटेड है, छोटे करके। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें JKK न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।